नमस्कार, हाजिर एक बार फिर से आपके साथ उत्तर प्रदेश की अब तक से लेकर रात तक की सभी बड़ी और आपके काम की खबरों को। पर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मायावती को बनाए पीएम कैंडिडेट, बसपा की तीसरे मोर्चे में शामिल होने की शर्त। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी की ओर अखिलेश यादव का नाम आने के बाद बसपा ने भी पीएम कैंडिडेट के लिए मायावती का नाम उछाला है। वहीं बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की ओर तीसरा मोर्चा के लिए सशस्त्र प्रस्ताव रखा गया है। वहीं बसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मवीर चौधरी ने बयान जारी कर कहा है कि मायावती को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए तो बसपा तीसरे मोर्चे में शामिल होने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में SBI का हाल खराब। सिर्फ नाम की कोर बैंकिंग, नगद चेक लेकर दौड़ते रहिए। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पादरी बाजार के संजय श्रीवास्तव का खाता बदले और प्लाजा के SBI ब्रांच में है। उन्होंने अपने रिश्तेदार को 2600 रुपए का अकाउंट पे ही चेक दिया है। वहीं बता दें कि रिश्तेदार बिछिया ब्रांच में चेक जमा करने पहुंचा तो चेक लेने से इनकार करते हुए बैंक कर्मियों ने बलदेव प्लाजा या फिर मेन ब्रांच में चेक जमा करने की नसीहत दी है। वहीं आपको बता दें कि कोर बैंकिंग की सुविधा की बात पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। उन्होंने मजबूरी में चेक बलदेव प्लाजा ब्रांच में जमा करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में रोडवेज बस यात्रियों के लिए राहत, सफर में ऑनलाइन दे सकेंगे किराया। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश के राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। अभी अभी मिली जानकारी के अनुसार यात्री अब चलती बसों में मोबाइल से ऑनलाइन UPI से किराया अदा कर सकेंगे। वहीं ऑनलाइन किराया लेने के लिए अब बस स्टैंड पर बस कंडक्टरों को प्रशिक्षित किया गया है। ज्ञानापी श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई आज, 34 ट्रेनों की स्पीड भी बढ़ी। जी हां, बता दें कि ज्ञानापी परिसर में सर्वे के दौरान मिली शिवलिंग जैसी आकृति पर हिंदू पक्ष में फूट पड़ गया है। वहीं 5 से 1 वादी राकेश सिंह की ओर से जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में अर्जी देकर पूर्व में दाखिल शिवलिंग आकृति की कार्बन डेटिंग जांच की मांग को खारिज करने की गुहार लगाई गई है। वहीं बता दें कि अदालत ने सुनवाई के लिए आज की तिथि तय की है। इसी बीच आपको बता दें कि 1 अक्टूबर से यानी रेलवे की कई ट्रेनों के संचालन में काफी बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं यात्रियों की सुविधा को देखते हुए यानी रेलवे ने 34 ट्रेनों की स्पीड बढ़ाई है। वहीं स्पीड बढ़ जाने से इन सभी ट्रेनों को मिलाकर 585 मिनट यानी 10.25 घंटे का समय बचेगा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव फिर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जया बच्चन के पैर छू कर लिया आशीर्वाद। जी हां, बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में आज अखिलेश यादव को तीसरी बार अध्यक्ष चुना लिया गया है। वहीं उनके निर्विरोध निर्वाचन का ऐलान राष्ट्रीय महासचिव और निर्वाचन अधिकारी राम गोपाल यादव ने किया है। वहीं राम गोपाल यादव ने कहा है कि अखिलेश के नाम का प्रस्ताव माता प्रसाद पांडे, आलमबदी समेत 75 नेताओं ने किया है, केवल एक ही नामांकन किया है, इसलिए अखिलेश यादव अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि अखिलेश ने जया बच्चन के पैर छुए हैं। अध्यक्ष चुने जाने के बाद अखिलेश यादव ने कहा है कि यह पद नहीं बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। इस समय लोकतंत्र खतरे में है, आने वाले 5 साल में समाजवादियों को इतिहास बनाना है। हम सब मिलकर सपा को अन्य राज्यों में फैला कर राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में चीफ प्रॉक्टर से मारपीट, गाली गलौज, जान से मारने की कोशिश में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के 50 छात्रों पर केस। जी हां, बता दें कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ोतरी का विरोध कर रहे छात्रों के खिलाफ अभी अभी केस दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ IPC की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं आपको बता दें कि इसमें चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर हर्ष कुमार से मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की कोशिश धाराओं में केस दर्ज किया गया है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार प्रोफेसर हर्ष कुमार ने इसमें FIR लिखवाई है। वहीं मामले में 4 नामांकित सहित कुल 50 छात्रों पर केस दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश में अस्पताल इलाज के लिए पहुंची महिला के सिर में पड़े कीड़े, कर्मचारी ने डाल दिया तारपीन का तेल। जी हां, बता दें कि अभी अभी उत्तर प्रदेश में बदायूं के जिला अस्पताल का एक अमानवीय कृत्य सामने आया है। सिर पर लगी चोट में पड़े कीड़े पड़ने पर भटकती हुई मानसिक मंदिता महिला अस्पताल में इलाज को आई तो किसी कर्मचारी ने तारपीन का तेल डालकर चलता कर दिया है। बताने कि इसके पड़ने के बाद महिला को बेचैनी हुई तो वह अस्पताल में छटपटाने लगी। जानकारी होने पर पशु प्रेमी ने पुलिस बुलाकर इसे इमरजेंसी में ले जाकर भर्ती कराया है। वहीं आपको बता दें कि मानसिक मंदिता महिला कौन है वो ठीक से बता भी नहीं पा रही है। इतना ही नहीं, बता दें कि वह बंगाल की है और बता दें कि वह 11 बजे किसी तरह अस्पताल पहुंची तो यहां किसी कर्मचारी ने सिर में लगी चोट में कीड़े देखकर उसके सिर पर तारपीन का तेल डाल दिया। उत्तर प्रदेश में धर्म नाम पर युवाओं
गांव में जहर घोल पीएफआई के ट्रेनर सदस्यों ने उगले चौंकाने वाली राज। जिया बता दें कि पीएफआई ने कुछ सालों में अपना गहरा नेटवर्क सिर्फ लखनऊ के शहरी इलाकों में ही नहीं बल्कि ग्रामीण अंचल में बना लिया है। अभी अभी मिली जानकारी के अनुसार उसके ट्रेनर धर्म और शिक्षा के नाम पर युवाओं को बरगला रहे हैं। इतना ही नहीं 200 से ज्यादा ग्रामीणों को अपने नेटवर्क में शामिल कर चुके हैं। इन ट्रेनरों के पकड़े जाने पर उनकी जमानत भी यही लोग ले रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बख्शी का तालाब में गिरफ्तार हुए पीएफआई के 3 सदस्यों ने ऐसे ही कई राज खोल दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि एसटीएफ एनआई और एटीएस के अफसर भौचक रह गए हैं। यह भी खुलासा हुआ है कि पीआई ट्रेनर ने इन ग्रामीणों में कई लोगों को कराटे जूडो की विशेष ट्रेनिंग देकर ग्रामीणों को मजबूत करने का भी काम शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में सीटों का नए सिरे से होगा आरक्षण, होगा उलट फिर। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है। वहीं चुनाव से पहले वार्डों के गठन को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके बाद सीटों के 60 वार्डों का आरक्षण होगा। वहीं यह प्रतिक्रिया अक्टूबर से शुरू कराने की तैयारी है। हालांकि आरक्षण का फार्मूला अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन यह माना जा रहा है कि नए सिरे से सीटों का आरक्षण होगा, इसलिए अधिकतर सीटों पर उलटफेर की संभावना जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में अनाथालय की आड़ में बच्चों का सौदा गिरोह का खुलासा, 7 लोग गिरफ्तार। जी हां, बता दें कि अभी अभी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में तिवारीपुर के डोमिनगढ़ इलाके में बच्चा चोरी के शक में पकड़ा गया गिरोह आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के बच्चों का सौदा करता था। बता दें कि मऊ में अनाथालय चलाने वाले शेखर तिवारी इस गिरोह का सरगना बताया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखनाथ की महिला के 10 महीने के बच्चे को अपने अनाथालय में लाने के बदले शेखर ने 45,000 रुपए दिए। वहीं महिला और उसके बच्चे को बरामद करने के साथ ही शेखर वाहन से पूछताछ के बाद पुलिस ने गिरोह का खुलासा किया है। वहीं बता दें कि एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया है कि गिरोह में अब तक 13 आरोपियों के नाम सामने आए हैं, जिसमें से शेखर सहित 7 को पुलिस ने अभी अभी गिरफ्तार कर लिया है। 2016 में पीएम नरेंद्र मोदी को मंच से कहे अपशब्द, 6 साल बाद बयान दर्ज कांग्रेस एमएलए पर सवाल। जी हां, बताने के मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर गलत बयानबाजी का 6 साल बाद फिर चर्चा हो रहा है। दरअसल खबर है कि मामले में साल 2016 में शिकायत दर्ज कराने वाले शख्स को 6 साल बाद अभी अभी बयान देने के लिए बुलाया गया है। वहीं उस व्यक्ति पर आरोप लगाए गए कि एक रैली के दौरान पीएम मोदी को लेकर अपशब्द कहे गए थे। शिकायतकर्ता ने मामले में कांग्रेस नेता पर आरोप लगाए हैं, जो अब विधायक हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मीट फैक्ट्री की पैकेजिंग यूनिट में अमोनिया रिसाव से 50 मजदूर बेहोश, डीएम एसपी मौके पर पहुंचे। जी बता दें कि अभी अभी उत्तर प्रदेश के महानगर से सटी तालसपुर स्थित अलदुआ मीट फैक्ट्री की पैकेजिंग यूनिट में अभी अभी अचानक अमोनिया गैस का रिसाव होने लगा है। इससे वहां काम कर रहे लगभग 50 मजदूर बेहोश हो गए हैं। वहीं इसकी खबर फैलते ही फैक्ट्री प्रबंधन में खलबली मच गई है। गैस रिसाव में बेहोश हुई महिलाओं को जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज हो रहा है। वहीं बताने की डीएम और एसएसपी ने फैक्ट्री व अस्पताल जाकर स्थिति का जायजा लिया है। उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल के 534 पदों पर भर्ती, खेल कोटा के उम्मीदवारों को मौका। जी हां, बता दें कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए खुशखबर है। दरअसल अभी अभी उत्तर प्रदेश पुलिस में खेल कोटा के उम्मीदवारों के लिए बेहतरीन मौका सामने आया है। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने कांस्टेबल के रिक्त पदों पर योग्य उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित कर लिए हैं। इस भर्ती का नोटिफिकेशन अब ऑनलाइन मोड में उपलब्ध है। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल होने की इच्छा रखते हैं, वे भर्ती के नोटिफिकेशन को अपना आवेदन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में रोजी रोटी बचाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे ताजगंज के हजारों लोग, सभा कर बनाई रणनीति। जी हां, बता दें कि वर्ष 1996 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ताजगंज के लोग जिस डर और असमंजस में थे, ठीक वही माहौल 26 साल बाद फिर आ गया है। बता दें कि ताजमहल के 500 मीटर दायरे में व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करने के आदेश से लोगों को रोजी रोटी छीन जाने का खतरा हो गया है। वहीं अभी अभी मिली जानकारी के अनुसार दक्षिणी गेट स्थित कुत्ता पार्क के चौक पर सभा कर कहा गया है कि लड़ेंगे, झुकेंगे और जीतेंगे, लेकिन कारोबार नहीं बंद होने देंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। वहीं उन लोगों ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे और कोर्ट के सामने एडीए की करतूत और सही तथ्यों को रखेंगे।
उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में कुट्टू के आटे ने लोगों की आस्था पर खड़ा किया संकट। दुकान पर मारा छापा, सामान भी जब्त। जिया बता दें की अभी अभी यह खबर सामने आ रही है कि नवरात्र में कुट्टू के आटे ने एक बार फिर लोगों की धार्मिक भावनाओं व आस्था के सामने संकट पैदा कर दिया है। बड़े पैमाने पर न केवल आटे में मिलावट की जा रही है बल्कि आटा ऐसी पॉलिथीन में पैक किया जा रहा है जिसमें मीट की पैकेजिंग की जाती है। वहीं आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। आरोपी दुकानदार का दावा है कि उन्होंने दिल्ली सदर स्थित एक दुकान से पॉलिथीन खरीदी थी जिसने कुट्टू का आटा भरकर दुकान में ही आटे को पैक किया था। दोस्तों यूपी मौसम जानकारी में आज के लिए बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को जरूर दबाएं। धन्यवाद।